सौ सुनार की और एक लोहार की, भाई तीन मैच आ रहे हैं और आज जो शिकस्त दी है कराची किंग्स ने, मजा दोबाला कर दिया और फुल हाउस क्राउड 67 रन से शिकस्त दी है। और ये एक भाई है हमारे, कह रहे अपसेट और दुनिया में पहला अपसेट देख रहा हूँ जो 67 रन से हो रहा है भाई, और दुनिया में पहला अपसेट ये भी देख रहा हूँ कि 10वीं विक्ट्री है लाहौर कलंदर ने, सिर्फ 5 मैच जीते। एक शख्स है जो बिल्डिंग से कूदने की 2-3 लोग कोशिश कर रहे थे, उनको बचाने की कोशिश की हमने, और एक ये बैठे हुए जो तो बांध दिया हमने, अभी सांस नहीं आ रही, इनकी भी सांस नहीं आ रही, इनकी भी ये भी बहुत गमजदा है। हम दोनों बड़े खुश हैं भाई आज, हमने बोला यार अच्छा जी बांध के मार यार, सीनियर हैं तो थोड़ा इनके पास चलते हैं, गम भी थोड़ा सा ज्यादा है इनको, भाई क्या बोलेंगे, 10वीं विक्ट्री है। मैं इसका सीधा सीधा रिजल्ट, हमारे एक दोस्त है कराची के, तीनों मैच में उन्होंने मीडिया बॉक्स एक तस्वीर लगाई थी जीत का रंग, आज वो तस्वीर नहीं लगी, ये वजह थी नहीं लगी है वो एंड में उनको अरे रोक दिया, हमने रोका है, हमने रोका उनको यार। लाहौर ने अच्छा नहीं खेला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। असल में कल हमारे एक दोस्त है इमरान नाम के, वो खुसूसी करने लगे थे तो शायद उसका लिहाज कर लिया लाहौर ने, आज वो ना कर ले कहीं वाकई में खुसूसी, तो बस ये कर लिया। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ऑन अ सीरियस नोट, कलंदर्स ने अपनी विकेट्स खुद गवाई आज, जिस तरह कामरान गुलाम ने विकेट गवाई, जिस तरह हम तो आउट ही नहीं करना चाह रहे थे कामरान गुलाम शाहजेब, हम तो बोल रहे थे आउट ही नहीं हो, इतनी प्यारा खेल रहे थे, डॉट 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 टायर फेंक की विकेट गई, या जिस तरह वो स्टंप कौन बताया हुसैन तलत, तो वो विकेट खुद गवाई है और ठीक है, अच्छा खेल गई कराची किंग्स। अभी तो बहुत सारे, अभी तो 4 मैचेस में से एक ही जीते हैं, बैटिंग कमजोर नहीं है कलंदर्स की, बहुत मिडिल ऑर्डर, बहुत मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा है कमजोर, इसमें कोई दो राय नहीं, जमान पे हाईली डिपेंड करता है ये, मिर्ज़ा ताहिर भी अच्छा ऑप्शन है, फिर डेविड वेसा नीचे है जिससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि वो हिटिंग करेगा, बट उसके अलावा मिडल में थोड़ा सा अगर हैरी ब्रुक होता तो फिर हाँ बहुत अच्छी हुई थी। हाँ भाई सेट हो है, तबीयत है, तबीयत सेट है, कैसे लग रहा है, देखो पास सुनो, बहुत शोर कर रहे थे, 14-15 मैच हारे हुए थे, 14-13 हारे हुए थे, तीन साल से हारे थे यार, तीन साल से पावर प्ले PSL 6 का पावर प्ले, लेकिन लाहौर है मुझे ऑफिस जाके स्टोरी फाइल करनी है, बस सीधी ये बात करूँ कि जो पिछले 14 में से एक मैच जीते थे ना वो लाहौर से जीते थे, और उस वक्त जब वो लाहौर से जीते थे तो कराची बाहर हो गया था और लाहौर चैंपियन बना था, तो इस बार भी मुसलसल कराची हार रहा था, लाहौर से जीते रिजल्ट आप समझते। अच्छा अभी लाहौर में भी मारेंगे आके, अभी लाहौर में भी मारेंगे आके, अच्छा जी मुजम्मिल आ जाओ बेटा, ये जो है ना माइक, अब मुझे दे दो माइक, अब बताओ तुम्हें बांध के मारे हैं, तुम्हारे साथ क्या करें जो तुम इतनी बातें कर रहे हो, क्रिकेट का काफ तुम्हें पता नहीं है, तुम इतने दिनों से शोर कर रहे थे इधर उधर, अच्छा तुम हो भी नहीं लाहौरी, तुम लाहौरी भी नहीं फिर भी शोर कर रहे हो, देखो यार मैंने किसी की शरीयत पे सवाल नहीं उठाया, मुजम्मिल ने उठा दिया, वो एक अलग बात है, कलंदर्स का दिल बड़ा है, लास्ट टाइम कलंदर्स जीतने दिया था कोई भी, अबे इतना दिल बड़ा है, सुन लो ना, सुन लो सुन लो, चाचू सुन लेना, तेरी घर में भी सुनता है, घर में भी सुनता है, घर में दोबारा खाना नहीं मिलता, यहाँ आके तो इसलिए जा रहा है ये, इसको इसको घर पे खाना नहीं मिला भाई, मैच के बाद करो, इसको दोबारा रोटी नहीं मिलती, इसको दोबारा रोटी नहीं मिलती, इसको दोबारा आलू भी नहीं मिलता, सुन लो ना, नहीं माइक मिल नहीं रहा, माइक मेरी बात पूरी होगी, माइक मिलेगा बाहर से बोलूंगा यार, देखो गंदे जीतन के, हाँ अब आते क्रिकेट उस पे बात पे, क्रिकेट के दिन आज आज आगे दिन है क्रिकेट आज पाकिस्तान, अभी अबे तो मुंह पे तो लगा दे दे मत यार, अभी क्या फुटबॉल पे बात हो रही थी, आज आखिरी दिन है क्रिकेट, मैं बच्चों का दिल रख रहा था वैसे, और यार आज कराची ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, ये तो हमें पता, ये नहीं बताओ, ये बताओ कल से जो शोर किया बता कि ये कर देंगे वो कर देंगे और फलाना और ढिमकाना, आज क्या हुआ यार, तीन मैच हारे हुए थे, वो नहीं चाहते कि इस तरह से बड़ी मिट्टी में बड़ा शहर बड़ी टीम इवेंट के शुरू में बाहर जाए, बस जाओ ना फिर, तुमने अपनी कर ली है, देख ये सबसे लेम एक्सक्यूज है कि तीन मैच हारे हुए थे हमने दिया है, अबे क्या बोलूं अभी मैं, लाहौर लुकिंग गुड ऑन पेपर, हाँ भाई सारे पेपर वेपर फाड़ दिए और कुछ और भी, यार देखें कराची ने बहुत अच्छा खेला, बोलो तो कराची ने बहुत अच्छा, यार हारने हारने के बाद तो आवाज इतनी निकलेगी ना भाई, कराची ने बहुत अच्छा खेला सही है,
और कराची ने शर्जील को ड्रॉप करके बहुत अच्छा किया, अपनी प्लेइंग 11 जो है वो तब्दीलियां लाए और जीत गए। इसमें क्या हार जीत तो गेम का हिस्सा। अब माइक रहने दो ना, आधा घंटे से बोले जा रहे हो। बहुत अच्छा खेला कराची ने, और ये राइवलरी का मजा ही है, हार जीत होती है। लेकिन लाहौर का जो मिडिल ऑर्डर है ना, अभी जो जफाबाद कर रहा था, उसमें जरूरत है कोई ऐसे पक्के बैट्समैन की जो कि आके उनके जो मिडिल ओवर्स में ना एक्सेलरेट कर सके उनके लिए। यार उसको ड्रॉप जरूर किया है शर्जील को, थोड़ा सीरियस, लेकिन तैयब को खेलना चाहिए था। तैयब को खेलना चाहिए कि जिस तरह इमाद के ऊपर तनकीद हो रही थी कि उसने बोला था कि मैं एग्रेसिव कप्तानी करता हूँ, आज भी उसने साबित किया कि एक वो विनिंग कैप्टन है और इंटेंट से शो किया, एग्रेसिव खेला और जितवाया। ऐसा कप्तान हमें चाहिए जो मैच जितवाए। यार कमाल कमाल, ऐसा चार मैच हुए, ऐसा कप्तान चाहिए जो मैच जितवाए। वेट के बारे में बड़ी बात हो रही थी उनके कप्तान को, तो वेट, अबे हाँ वो कह रहे थे मैथ्यू वेट को ओपनर भेजना, कौन कह रहा था वो? ये तो कौन कह रहा था, एक बॉलर था, कौन था? शाहीन था, वो कह रहा था। शाहीन नहीं बोला था यार, शाहीन और हारिस दोनों थे, कह रहे थे शाहीन, नहीं शाहीन था। लेकिन यार ये तो मैच से पहले हर कोई स्टेटमेंट देता है, इसमें क्या हो गया? ये क्या बात है? आमिर दे तो तुम्हें बुरा लगता है? नहीं, हमें कोई बुरा नहीं लगता भाई। हाँ। आमिर के स्टेटमेंट का बुरा नहीं लगता, आमिर का जो ऑन फील्ड एग्रेशन है खासकर यंगस्टर्स के खिलाफ, वो बुरा है। वो यंगस्टर के खिलाफ तो है ना स्टेटमेंट में क्या भाई? आमिर ने कहा बाबर टेलेंडर मुझ में फर्क नहीं है, आमिर को उसकी हीट फेस करनी पड़ेगी। एक बात ये भी आ रही थी, कलंदर की बॉलिंग सबसे अच्छी टूर्नामेंट की बॉलिंग है, ये बॉलिंग है, वो बॉलिंग है। अभी राशिद खान के बगैर बॉलिंग अच्छी है, कराची से बेहतर है। नहीं ये बोल रहे थे बहुत अच्छी बॉलिंग है, सबसे अच्छी बॉलिंग है, कराची से अच्छी बॉलिंग है। अच्छा अच्छा, ये जो चार मैच हुए, लेकिन इमाद की जो भले तीन हारे एक जीते, लेकिन इमाद की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, चाहे वो बैट से हो चाहे वो बॉल से हो, क्लास खेल रहा है वैसे यार। पिछले मैच बैट से तो नहीं थी, नहीं किसी, लेकिन ओवरऑल में बैट से, किसी में बॉल से, ओवरऑल कैप्टनसी भी अच्छी कर रहा है, डिसीजंस अच्छे ले रहा है, उसका नजर आ रहा है वहां पे जो है ना असर नजर आ रहा है। गो के उनकी टीम शुरू के तीन मैचेस हारी है, लेकिन एग्रेसिव फैसले उसके हमें नजर आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है कि वो उसी के साथ। और कल एक बहुत अच्छी बात थी कि वो जो है ना यहाँ पर आया, मीडिया को फेस किया, बड़े तरीके, ये बहुत अच्छी बात है, बड़े तरीके से उसने मीडिया को फेस किया और यहाँ आके उससे बैठ के सारी बात की। खुद आया शॉन डेड को भी भेजा, डॉसन को नहीं भेजा, तो खैर कराची धारेगा वो आज डी साइलेंट नहीं है, आज डी लगा हुआ है उसके अंदर, जो आप बोलते रहे डी साइलेंट है, और अल्लाह करे ये डी रहे, वरना इन दोनों के वो अगले वीडियो उतरे होंगे। अब ये जो और आज मैं ना पहले से वार्न कर रहा हूँ, आज स्पेस में नहीं जाने, सोमालिया बहुत तेज हुआ है, ये छोड़ेगा नहीं। आज ये लूज और डाय किंग्स डिलाइट है बस। हाँ, ये देखो अपनी टीम को सपोर्ट करो बस, जो भी है पीएसएल का मकसद ही है। और ये वाले बंदे नीचे कमेंट नहीं करें, सारी टीमें अपनी है। हाँ। सबसे बुरा कमेंट होता है ये पाकिस्तान सुपर लीग में, क्या बात है। मैथ्यू वेट कह रहे थे ना ओपनर आना और ये कर देंगे और वो कर देंगे, और हमारे पास पूरी पीएसएल की सबसे अच्छी बॉलिंग है, वो 150 और ईगल बल्ले फाड़ दे, ईगल 150 सब आज पूरा हो गया। देखो शाहीन भाई और हारिस भाई, आप जब पाकिस्तान से खेलते हो ना, आप हमारी जान हो, लेकिन अगर लाहौर से खेलते हो तो आप हमारे राइवल हो भाई। देखो हम लिहाज नहीं करते यार, फिर हम ऐसे ही मारते हो। 10 और 15 मैच हो गए, 10 कराची जीता है, 5 लाहौर जीता है, डबल का फर्क है, तो मुकाबला ही नहीं है। शिकस्त तस्लीम करो, मैंने शिकस्त तस्लीम की, कराची आज जो जीता है, दो बंदे आज यहाँ पे खुश है, उनकी खुशी मेरी खुशी है भाई, मेरे भाई है ये, अगर खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे। कराची हार के तो जीत के कोई बात नहीं, निकल नहीं रहा इसके। चलो भाई खत्म करें। हाँ, जर्नलिस्ट बनो, फैन ना बनो यार। जर्नलिस्ट का काम करो, जर्नलिस्ट तुम क्यों फैन हो? मैं नहीं फैन हूँ, जर्नलिस्ट का काम हम करके आ गए। नहीं मैंने क्या सुबह ट्वीट किया, ऑन पेपर अच्छी लग रही है कॉम्बिनेशन, मैंने भाई देखो जर्नलिस्ट वो कर दूंगा, जर्नलिस्ट का काम अंदर करके आ गए। नहीं क्या करके आ गए, अभी आप स्टेडियम के देख कैसे शेर धाड़े बस। हाँ, और अब बोलते रहो जो बोलना है, जो मैच हमने जीतना था ना वो जीत लिया भाई, और प्ले ऑफ खेलना है कराची, और अब जो है और के अंदर लाहौर के अंदर ये पीजी टू अल्लाह हाफिज। बस भाई नहीं।